हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको गिवन है। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए। आपको यहाँ पर गिवन है कि एक डिप नेडल है जो कि वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने के लिए फ्री है। यहाँ पर बच्चों एक डिप नेडल है जो कि एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने के लिए फ्री है और वो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। अब आप सबसे पहले तो ये याद करिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा वर्टिकल प्लेन होता था। मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन था जिस प्लेन में अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाई करता है। यानी बच्चों, अगर हम यहां पर बात करें कि सपोज मैंने इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दिया, सपोज मैं इस प्लेन को क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझना अच्छे से कि बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यानी कि ये ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिस पर अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाई करेगा। तो बच्चों, अगर इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाई कर रहा है, सपोज यहां पर बी वेक्टर ऐसा कुछ हो गया, और ये आपको याद होगा इसको हम लोगों ने क्या बोला था, डिप। कितना यहां पर डिप है, डेल्टा। अब बच्चों, अगर आप जानते हैं इसके अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इस बी का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलेंगे, बी हॉरिजॉन्टल या फिर बी कॉस डेल्टा। और इसी बी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और वो बच्चों यहां पर क्या होगा, बी साइन डेल्टा, जिसको आप यहां पर क्या बोल सकते हो, बी वर्टिकल, यानी कि बी वी। तो ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। हमसे क्या बोला जा रहा है कि हम उस प्लेन पर डिप नेडल को रख रहे हैं जो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से राइट एंगल पर है। बच्चों, राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मींस आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पर बात कर रहे हो। बच्चों, अगर हम इस प्लेन के, ये तो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर बात करें, सपोज बच्चों यहां पर हम इस प्लेन को ऐसे ड्रॉ करें कि ये एक प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ये वो प्लेन है जो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जिस प्लेन पर हम डिप नेडल रख रहे हैं। तो ये वो प्लेन हो गया जो कि इसके परपेंडिकुलर है। अब बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन पे तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल में बी कॉस डेल्टा, एक वर्टिकल में बी साइन डेल्टा। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई इस प्लेन के लिए बताइए, ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो देखिए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज रहेगी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज रहेगी, ठीक है। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक मेरिडियन में वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी साइन डेल्टा, और इस वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी साइन डेल्टा, तो ये तो एज इट इज है दोनों के लिए। लेकिन इस प्लेन में जो बच्चों यहां पर बी कॉस डेल्टा है, अगर आप उसका कॉम्पोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोगे तो वो जीरो हो जाएगा। भाई देखो, इस प्लेन में बी कॉस डेल्टा है, अब मैं आपसे कहूं कि इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लीजिए तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि बच्चों, इस प्लेन में देखें तो केवल वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी। इट मींस हम ये कह सकते हैं ये जो प्लेन है इसमें केवल वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों, अगर आप, अब बात करते हैं डिप नेडल की। देखिए, डिप नेडल का मतलब यह है कि यहां पर जो नेडल है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने के लिए फ्री है। क्या मैंने बोला, डिप नेडल क्या है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने के लिए फ्री है। बच्चों, अगर कोई नेडल वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रही है तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, हॉरिजॉन्टल। ये टर्म अच्छे से समझना, कंफ्यूजन हो सकता है यहां पर। अगर कोई नेडल वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रही है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर डिप नेडल मतलब वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने के लिए फ्री है। अब आप ये बताओ, अगर इस प्लेन में सिर्फ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब जिस प्लेन की बच्चों यहां पर बात की गई है, ये वाला जो प्लेन है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, यहां पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। और जब आप डिप नेडल को बच्चों इस प्लेन में रखोगे तो डिप नेडल भी कैसी हो जाएगी, इसी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वर्टिकल हो जाएगी। मतलब हम यहां पर क्या बोलेंगे कि डिप नेडल बच्चों यहां पर कैसी हो चुकी है, वर्टिकल हो चुकी है, इस तरह से डिप नेडल यहां पर हो जाएगी।
तो डिप नेडल परमानेंट कैसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, मतलब अपना आंसर बच्चों यहां पर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसको। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहां पर हमसे बात की गई है डेक्लिनेशन की, आपको याद होगा डेक्लिनेशन क्या मैंने आपको बताया था बच्चों, डेक्लिनेशन क्या होता है, सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक कंपास लिया, मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, मैग्नेटिक नेडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट होने के लिए फ्री होती है। तो सपोज मैंने मैग्नेटिक कंपास यहां पर रख दिया, अब बच्चों नेडल सपोज इस डायरेक्शन में अलाइन हो गई, बात समझना, नेडल सपोज इस डायरेक्शन में हो गई, तो ये नेडल क्या बता रही है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, वो ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। अब जरा यहां पर देखो क्या है बच्चों, यहां पर अगर आप देखें डेक्लिनेशन, तो क्या बोला गया है कि डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज नोन टू बी, कितना है जरा इसको अलग से देखो, 15 डिग्री ईस्ट। अब जरा पहले इसका मतलब समझो क्या होता है बच्चों, डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज नोन टू बी 15 डिग्री ईस्ट, आपसे बोला जा रहा है डेक्लिनेशन क्या है, 15 डिग्री ईस्ट है, एंड अ कंपास नेडल पॉइंट्स एज शोन, बच्चों यहां पर देखो नेडल ये है, ये नेडल है, ये कंपास नेडल है, इस तरह से यहां पर कंपास नेडल इस डायरेक्शन में है। आगे बोला गया है देन द ज्योग्राफिक नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन नंबर्ड, बच्चों आपसे पूछा है 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सी डायरेक्शन ज्योग्राफिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब पहले तो मेरी बात अच्छे समझो कि तरीका क्या है इसका, इसके भी एक दो क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, इसका मेथड क्या है। देखो होता यह है कि सपोज थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि मैंने बोल दिया कि भाई ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, सपोज ये मैंने बोल दिया ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये मैंने बोल दिया ज्योग्राफिक साउथ है, इसे मान लीजिए मैंने बोल दिया यहां पर ज्योग्राफिक ईस्ट, और ये बच्चों क्या हो गया ज्योग्राफिक वेस्ट, ये क्या है सब ज्योग्राफिक डायरेक्शन है। अब लेट सपोज कि बच्चों यहां पर आपको बोल दिया जाए कि भाई डेक्लिनेशन, सपोज यहां पर बोल दिया जाए कि जो डेक्लिनेशन है इस पॉइंट पर वो आपको बोल दिया गया 30 डिग्री ईस्ट है, क्या बोला गया डेक्लिनेशन 30 डिग्री ईस्ट है, केवल इस जगह के लिए, फिर इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। सपोज आपको बोला गया डेक्लिनेशन कितना 30 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब ये होगा अगर ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है 30 डिग्री ईस्ट या कुछ भी आप ले लो यहां पर एक नंबर कुछ भी, सपोज आपने 11 डिग्री ईस्ट ले लिया। अब जरा बात समझो कि इसका मतलब यह है कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ध्यान से समझे कहां से, ज्योग्राफिक नॉर्थ से आप चलें, हमेशा कहां से चलें, ज्योग्राफिक नॉर्थ से, ज्योग्राफिक नॉर्थ से अगर आप 11 डिग्री ईस्ट की तरफ चलते हो, आप ज्योग्राफिक नॉर्थ से 11 डिग्री चलिए ईस्ट की तरफ, तो बच्चों यहां पर जो आपको डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ होगी। बात समझ में आ गई, ज्योग्राफिक नॉर्थ से 11 डिग्री ईस्ट चलने पर जो आपको डायरेक्शन मिलेगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ होगी। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, यानी कि, और आपको पता है कि अगर यहां पर बच्चों कंपास रखोगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा, ऐसे पॉइंटेड होगा, यानी कि ज्योग्राफिक नॉर्थ से मैग्नेटिक कंपास जितने एंगल पर है, उल्टा मत करना, मैग्नेटिक नॉर्थ से नहीं आना, हमें क्या करना है ज्योग्राफिक नॉर्थ से कंपास जो डायरेक्शन शो कर रहा है वही क्या हम बताते हैं, उस एंगल को क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन उल्टा आपको रिप्रेजेंट किया गया, यहां पर क्या बोला गया है कि भाई ये मैग्नेटिक नेडल है, बच्चों अगर ये मैग्नेटिक नेडल है इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, ये क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ है, और यहां पर डेक्लिनेशन कितना है 15 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब ये है कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा वहां से 15 डिग्री जब हम ईस्ट चलेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ से 15 डिग्री ईस्ट चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसका मतलब बच्चों ज्योग्राफिक नॉर्थ क्या है, ये है, क्योंकि देखो अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा तो इससे आप जब 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब इसका मतलब क्या है, आंसर कौन सा करेक्ट है, सेकंड। ध्यान दें, ज्योग्राफिक नॉर्थ से डेक्लिनेशन के बराबर एंगल चलने पर हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इस तरह से आपको यह समझना है, ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है और दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, डेक्लिनेशन कॉन्सेप्ट। आप एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लें। एक शिप है जिसको बच्चों हमें कहां पर पहुंचाना है, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब एक प्लेस है जो कि 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट में है, वहां पर पहुंचाना है।
एक काम करते हैं, पहले जो डायरेक्शंस है उनको ड्रॉ कर लो। तो ये बच्चों हो गए ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये अपने पास क्या है ज्योग्राफिक साउथ, यहां पर क्या है ज्योग्राफिक वेस्ट, और ये बच्चों क्या है ज्योग्राफिक ईस्ट। ये अपने पास यहां पर ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है। अब देखिए हमें यहां पर शिप को कहां पहुंचाना है, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। बच्चों 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट से साउथ की तरफ 20 डिग्री, वेस्ट से साउथ की तरफ 20 डिग्री मींस बच्चों ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यहां पर कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट से साउथ की तरफ 20 डिग्री। ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यही तो बोलेंगे, वेस्ट से साउथ की तरफ 20 डिग्री, इस डायरेक्शन में हमें इसको पहुंचाना है। अब आपसे बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में इसको स्टेट करना चाहिए जिससे कि ये यहां पर पहुंच पाए, और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन दी गई है द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना है 16 डिग्री वेस्ट। अब सबसे पहले तो एक बात समझिए, फिर से सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कैसे यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि इसको तो कुछ वहां पर ऐसी डायरेक्शंस वगैरह दिखाई नहीं दे रही होंगी, ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक कंपास लेगा, और मैग्नेटिक कंपास में बताइए मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर रही होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन, भाई उसके पास जो मैग्नेटिक उसी से वो चल रहा है, तो मैग्नेटिक कंपास जब वो देखेगा तो मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब उसको मैग्नेटिक नॉर्थ से कितने एंगल पर चलना है ताकि वो यहां पहुंच पाए, बस ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक नॉर्थ देखो, मतलब कि उसका जो कंपास है उसमें निडल क्या शो कर रही है। तो बच्चों यहां पर देखो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, मैंने आपको क्या बताया था ज्योग्राफिक नॉर्थ से डेक्लिनेशन के बराबर एंगल चलिए तो आपको क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ ही हो गया, और 16 डिग्री वेस्ट मतलब बच्चों यहां से अगर आप 16 डिग्री वेस्ट चलते हैं, देखिए ऐसे ज्योग्राफिक नॉर्थ से 16 डिग्री वेस्ट की तरफ हम चलते हैं तो ये बच्चों अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि जो उसके पास कंपास है उसमें जो नेडल है वो बच्चों इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से होगी, जो उसके पास नेडल यहां पर है वो इस तरह से कुछ शो कर रही होगी, जिसका नॉर्थ यहां पर होगा साउथ यहां पर होगा, इस तरह से मैग्नेटिक नॉर्थ। अब उसको इस नेडल से कितने एंगल पर चलना है कि वो यहां पहुंच पाए, साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है बच्चों, आपसे क्या पूछा है आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है कि भाई जो नेडल शो कर रही है वहां से कितना चलना है। तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, देखो यहां से लेके यहां तक कितना है 90 डिग्री, 90 में से बच्चों 16 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ गया, और 20 और ऐड कर दो तो देखो ये एंगल थीटा अगर मैं लिख लूं तो बच्चों यहां पर थीटा कितना होगा 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यही तो होगा भाई, यहां से यहां तक कितना हो गया 19 माइनस 16 कर दिया ये वाला मिल गया, और 90 माइनस 16 ये, और प्लस 20 और कर दो तो बच्चों ये कितना हो गया अपने पास 90 प्लस 4 यानी कि 94 डिग्री, यानी कि अगर वो जो उसको मैग्नेटिक नीडल शो कर रही वहां से 94 डिग्री अगर चलता है तो वो जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल इसी पर एक और क्वेश्चन है, चाहो तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। देखिए क्या बोला गया है, द डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 20 डिग्री वेस्ट। बच्चों फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफिक नॉर्थ से 20 डिग्री वेस्ट में आपको मैग्नेटिक नॉर्थ मिल जाएगा, यही तो कॉन्सेप्ट है डेक्लिनेशन का। तो यहां पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये बच्चों क्या हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ, यहां पर ज्योग्राफिक वेस्ट, और ये बच्चों क्या हो गया ईस्ट। अब क्या बोला गया, द डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 20 डिग्री वेस्ट। बच्चों 20 डिग्री वेस्ट, देखिए ज्योग्राफिक नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना चलना है अपने को 20 डिग्री, तो बच्चों अपने को क्या मिलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि यहां पर हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक कंपास यहां पर रखा गया होगा उसकी मैग्नेटिक नीडल बच्चों इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी, इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी, क्लियर है ऐसे, इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी ऐसे। अब बताइए यहां से वो कितने एंगल पर चलना चाहिए, तो यहां पर देखो कहां पहुंचना है, देखो उसको कहां पहुंचना है, तो ये कह रहा है कि यहां पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसे पहुंचना है। तो बच्चों देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ ये है ज्योग्राफिक ईस्ट ये है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन हो गई ना, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया, मतलब यहां से 45 डिग्री। तो बताइए कि जो उसको यहां पर नेडल शो कर रही है वहां से कितना एंगल चलेगा, तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भाई यहां से इतना एंगल चलना होगा, तो ये बच्चों एंगल अगर मैं थीटा लेट कर लूं तो ये कितना होगा 20 डिग्री, तो ये हो गया
प्लस 45 डिग्री ये वाला हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 65 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, अभी आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है अपेरेंट डिप का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो याद करिए डिप क्या था बच्चों, हमें पता है कि अगर हम यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें, क्यों मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो कहां पर लाई करता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से जितना डिप होता है, डाउन होता है, उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, डिप एंगल बोलते हैं। तो फिर ये अपेरेंट डिप क्या है समझिए बच्चों, वो तो एक्चुअल डिप हो गया है ना, जो मैग्नेटिक मेरिडियन में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्चुअल डिप है। देखिए ये अपने पास जो वर्टिकल प्लेन है, अगर मैं इसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहा हूं, ये सारी बातें हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं, शॉर्ट में एक बार देख लीजिए। तो बच्चों यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर जो डिप एंगल आपको पता है मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, ये बच्चों यहां पर क्या हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये अपने पास क्या हो गई वर्टिकल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल से जितना ये डिप है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप एंगल बोल रहे हैं, ये एक्चुअल डिप हो गया। ये बच्चों यहां पर क्या है, एक्चुअल डिप है, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में देख रहे हो तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है वो एक्चुअल डिप है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, सबसे पहले तो बच्चों इसके कंपोनेंट देख लो एक बार, क्योंकि उसी का यूज होगा अभी। अगर हम इस बी के कंपोनेंट करें तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल में होगा और एक हॉरिजॉन्टल में होगा। वर्टिकल में बच्चों कितना होगा, बी साइन डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, बी कॉस डेल्टा। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत सिंपल था। अब एक काम करते हैं, अब हम बच्चों एक ऐसे प्लेन की बात करते हैं जो वर्टिकल तो है लेकिन वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल पर है। मैंने क्या बोला, एक ऐसा प्लेन जो वर्टिकल है लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल पर है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो बच्चों ये तो अपने पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक ऐसे वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है। ये भी वर्टिकल है, दोनों वर्टिकल प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये कोई दूसरा प्लेन है, अदर प्लेन कोई भी हो सकता है, कोई भी जनरल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जो कि वर्टिकल है और मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है, ये अल्फा एंगल हो गया। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि इस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है, मैग्नेटिक मेरिडियन पे तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल में बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल में बी साइन डेल्टा। हम क्या बात करना चाह रहे हैं, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस प्लेन में जो इससे अल्फा एंगल पर है। तो बच्चों देखो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगी है ना, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में सेम है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में सेम है, कितनी, बी साइन डेल्टा। चाहे बच्चों आप यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करो, चाहे इस अदर प्लेन की बात करो, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है। सारा खेल किसका है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का, उसका कंपोनेंट लेना होगा। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी कॉस डेल्टा, लेकिन हमें इस प्लेन में चाहिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना, अल्फा, आप इसका एक कॉम्पोनेंट ले लीजिए। तो इस बी कॉस डेल्टा का हमें कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए, इस प्लेन में चाहिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसा समझो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों सपोज इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो एक्चुअल है वो इस डायरेक्शन में बी कॉस डेल्टा, लेकिन मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन में जो इससे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉस अल्फा। यानी कि यहां पर ये वाला जो बच्चों कंपोनेंट होगा, ठीक है इसको मैं इधर लिखता हूं, ये क्या होगा, ये होगा बी कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट, ये ऐसे। अब आपको दोनों कंपोनेंट मिल गए, हॉरिजॉन्टल, देखो इस प्लेन में जो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर है, इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल फील्ड कितनी है, बी कॉस डेल्टा कॉस अल्फा, और वर्टिकल कितनी है, बी साइन डेल्टा। अब एक काम करते हैं, डिप की बात करते हैं इस प्लेन में, उसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट डिप। देखिए ये जो दूसरे प्लेन की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाले प्लेन की, ये कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन है लेकिन ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी।
तो यहां पर अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्ट, देखो वर्टिकल कितना है, वर्टिकल तो बच्चों अभी भी उतना ही है, कितना, बी साइन डेल्टा। और जो अपने को हॉरिजॉन्टल मिला है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा ना, कॉम्पोनेंट है तो बी कॉस डेल्टा से तो कम ही होगा उसका कॉम्पोनेंट, तो ये थोड़ा कम हो गया होगा, कितना हो गया होगा, ये कितना हो चुका है, तो ये हमें पता है बी कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का यहां पर बच्चों जो रिजल्टेंट होगा वो हमें क्या देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस प्लेन। ठीक है बच्चों, इस प्लेन को अगर मैं प्लेन पी लेट कर लूं, इसका नाम रख लें प्लेन पी, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रही है, ये आ रही है नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं सपोज बी डैश बोल देता हूं। मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, मुझे जस्ट इससे मतलब है कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर यहां पर डिप है, इसे बच्चों बोलेंगे हम अपेरेंट डिप। अब आप खुद समझ रहे हो, इसको मैं एक्चुअल डिप तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि एक्चुअल डिप तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से बनाती है, और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन पे, किसी अदर प्लेन पर जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे वो एक कॉम्पोनेंट होगा उसका। तो वहां पर अगर हॉरिजॉन्टल से देखोगे कितना डिप है तो वो एक्चुअल डिप नहीं होगा, वो अपेरेंट डिप होगा। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो टेन डेल्टा डैश फाइंड कर सकते हो कितना होगा, देखो ये कितना है बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि ये कितना है बी कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा। ऐसे देखिए यहां से बी कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहां पर टेन डेल्टा डैश कितना अपने को मिल गया, ये मिल गया साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, क्या होगा टेन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। इसमें एक बात आप समझिएगा, ये जो डेल्टा डैश है ये क्या है बच्चों, यहां पर अपेरेंट अपेरेंट डिप, और बच्चों यहां पर जो डेल्टा है वो क्या है एक्चुअल डिप है, ये एक्चुअल डिप है, और ये जो अल्फा है वो क्या है, ये है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन प्लेन पी, प्लेन पी एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, बिल्कुल सिंपल सा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन पी से बच्चों एंगल कितना है अल्फा। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना, टेन अपेरेंट डिप, टेन अपेरेंट डिप क्या होगा, टेन एक्चुअल डिप अपॉन कॉस अल्फा। अच्छा एक चीज और, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि भाई अपेरेंट डिप की वैल्यू बताओ किस प्लेन पर, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, सोचो अगर मैं एक ऐसे प्लेन की बात करूं जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, ऐसे जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस ही बात है अभी हम लोग ने बात की थी बच्चों, अगर कोई प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर उसमें सिर्फ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है तो यानी कि उस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो गई, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, यानी कि अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में अपेरेंट डिप देखते हो तो बच्चों कितना होगा 90 डिग्री, सिंपल सर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना, इससे ज्यादा डिप क्या होगा भाई, पूरा का पूरा वर्टिकल हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल से एंगल देख रहे हो ना, तो हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है वर्टिकल में 90 डिग्री। और बच्चों अगर हम यहां पर देखें एक चीज समझो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में तो पूरी की पूरी देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी है, वर्टिकल भी कंप्लीट है, और यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है ये डिप हो गया। किसी दूसरे प्लेन में जाते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा कम हो जाता है, कंपोनेंट लोगे तो कुछ कम हो जाएगा। तो बच्चों सोचो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा इसका जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल की तरफ भागेगा, और जब रिजल्टेंट इसका वर्टिकल की तरफ भागेगा तो डिप एंगल बढ़ता जाएगा, डिप एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपेरेंट डिप की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी 90 डिग्री, कम से कम क्या होगी एक्चुअल डिप, तो एक्चुअल डिप से लेकर 90 डिग्री तक आपको अपेरेंट डिप वेरी करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है कि यहां पर आपको दो वर्टिकल प्लेन गिवन है, दो वर्टिकल प्लेन है जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, दो वर्टिकल प्लेन है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, और उन पर आपको अपेरेंट डिप गिवन है डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। बच्चों अगर ये अपेरेंट डिप है इसका मतलब कि दोनों प्लेन में से कोई भी प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन्स पर आपको डिप एंगल गिवन है तो क्या एक्चुअल डिप फाइंड कर सकते हो, देखो कैसे फाइंड करेंगे,
और ये इसका रिजल्ट भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर सपोज बच्चों एक प्लेन है, इसे हम यहां पर प्लेन P1 बोल सकते हैं। ये प्लेन P1 है, ये प्लेन क्या है बच्चों यहां पर P1, और एक प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है प्लेन P2। और सपोज यहां पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो इनके बीच में कोई है, ये बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब जरा बात समझना, अगर P1 और P2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन अगर मैं लेट कर लूं कि P1 से अल्फा एंगल बना रहा है, तो बच्चों यहां P2 से कितना बनाएगा, 90 माइनस अल्फा। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही पार्ट समझना था कि अगर मैग्नेटिक मेरिडियन P1 से अल्फा एंगल बना रहा है तो यही मैग्नेटिक मेरिडियन P2 से कितना बनाएगा, 90 माइनस अल्फा, बिकॉज P1 और P2 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पर है। क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैग्नेटिक मेरिडियन पे जो डिप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिप। किसी अदर प्लेन पर जो डिप बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसकी अपेरेंट वैल्यू। उसको मैंने डेल्टा वन और डेल्टा टू लेट कर लिया। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था अपेरेंट डिप का, क्या था, अगर बच्चों हम टेन अपेरेंट डिप फाइंड करते हैं सपोज टेन डेल्टा वन, तो ये टेन डेल्टा वन क्या होगा, टेन एक्चुअल डिप डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा, और वो अल्फा क्या होता है, उस प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल। तो बच्चों फर्स्ट प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल कितना है, अल्फा, तो यहां लिख दो कॉस अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरा फॉर्मूला प्लेन टू के लिए लगाएं टेन डेल्टा टू, तो क्या होगा, टेन एक्चुअल डिप डिवाइडेड बाय कॉस क्या लिखते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बच्चों प्लेन P2 का मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा, तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, 90 माइनस अल्फा। बस यही चीज तो समझनी है। अब कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो बच्चों ये हो गया साइन अल्फा। तो एक बात बताओ, क्या यहां से कॉस अल्फा मिल रहा है, यहां से साइन अल्फा मिल जाएगा, ये पॉइंट समझ में आता है ना। कॉस 90 माइनस अल्फा को आप क्या लिखोगे, साइन अल्फा लिखोगे। तो बच्चों यहां से देखो कॉस अल्फा मिल गया, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या होता है, वन। अब आप देखो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा ये इधर लेके जाओ, ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर टेन स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर डेल्टा वन। यहां से साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, टेन स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर डेल्टा टू, और ये क्या हो गया, वन। अब ध्यान से देखो तो टेन स्क्वायर डेल्टा दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और इसको उस तरफ लेके जाओ, तो बच्चों ये देखो यहां क्या बचेगा, वन अपॉन टेन स्क्वायर डेल्टा वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू वन अपॉन टेन स्क्वायर डेल्टा। क्या इसको मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं कि वन अपॉन टेन आप जानते हो कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस यहां पर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू बच्चों यहां पर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये रिलेशन आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लें, डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन मिल सकता है। क्या मैंने बोला, कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। डेल्टा वन और डेल्टा टू अपेरेंट डिप है परपेंडिकुलर प्लेन्स पर, और डेल्टा क्या है, एक्चुअल डिप है। अब बच्चों यहां पर इसी फॉर्मूले इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, एक बार आप चाहो तो क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लो, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या गिवन है, द वैल्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखना, द वैल्यूज ऑफ द अपेरेंट एंगल्स, ध्यान दो, अपेरेंट एंगल्स ऑफ डिप इन टू प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर कितना है, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। बच्चों आपको बोला गया है कि जो अपेरेंट डिप है, तो आप एक काम करो, डेल्टा वन 45 डिग्री ले लो, डेल्टा टू 30 डिग्री ले लो, और यहां पर आपसे क्या पूछा है कि एक्चुअल डिप क्या होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम डायरेक्टली बच्चों यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। अब बच्चों यहां पर अगर हम कॉट स्क्वायर डेल्टा वन देखें, क्या है, कॉट 45 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, कॉट 30 का होल स्क्वायर, और यहां पर बच्चों क्या है, कॉट डेल्टा होल स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान देना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। cos 45 कितना हो गया, 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। cot 30 बच्चों यहां पर कितना होगा, ये हो जाएगा रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, और ये कितना है, cot स्क्वायर डेल्टा या cot डेल्टा होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो
तो ये 1+3 4 यानी कि कॉट स्क्वायर डेल्टा, ये बच्चों आपको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहां से अगर हम कॉट डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी हो जाएगी, 2। या फिर बच्चों यहां पर हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी, कॉट इनवर्स 2, ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2। यानी कि जो बच्चों अपना आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो आई होप कि बच्चों ये पूरा आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तीनों पार्ट आप एक बार चाहो तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।